हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्यूट ई 470 कैप्सूल के बारे में, जो कि इस कैप्सूल को कैसे समस्याओं में प्रयोग की जाती है, जो कि आगे बात करेंगे इसके बारे में। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, कैसे का प्राइस है, कैसे यूज करना है और कैसे का साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये क्यूट ई 470 कैप्सूल जो कि टैलेंट इंडिया कंपनी की है और इसके प्राइस की बात करें तो 162 रुपीस है, जो कि एक सिस्टम में 10 कैप्सूल अवेलेबल है। दोस्तों ये कैप्सूल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो यहाँ देखते हैं विटामिन ई 400 mg। दोस्तों विटामिन ई कैप्सूल जो कि कई प्रॉब्लम्स में यूज की जाती है और ये एक एंटीऑक्सीडेंट कैप्सूल है और काफी फायदे हैं इस कैप्सूल के। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं इस कैप्सूल को। नंबर वन, स्किन की प्रॉब्लम में, जैसे कि ड्राई स्किन है, फट रही है, तो उसमें यूज कर सकते हैं। और ये कैप्सूल स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बना देता है, तो उसमें यूज कर सकते हैं। नंबर टू, घाव की समस्या हो, जैसे कि शरीर में कहीं घाव हो, तो उसमें लगा भी सकते हैं और खा भी सकते हैं इस कैप्सूल को, दोनों में फायदे हैं। नंबर थ्री, स्किन को अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है ये कैप्सूल। नंबर फोर, स्किन में होने वाली खुजली को भी दूर करता है, जैसे कि खुजली हो, एक्जिमा हो, फंगल इन्फेक्शन हो, सुराइटिस हो, ड्राई स्किन हो, तो इन सभी समस्याओं में यूज कर सकते हैं इस कैप्सूल को। नंबर फाइव, स्कार्स की समस्या हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि निशान वगैरह पड़ जाए तो उसमें यूज कर सकते हैं। नंबर सिक्स, नाखून की समस्या हो, जैसे कि नाखून टूट रहे हो, पीले पड़ रहे हो नाखून, तो उसमें भी यूज कर सकते हैं इस कैप्सूल को, उसमें भी काफी फायदे हैं इसके। नंबर सेवन, बाल की समस्या हो, हेयर फॉल, बाल टूट रहे हो, गिर रहे हो, झड़ रहे हो, तो उसमें भी यूज कर सकते हैं विटामिन ई को। नंबर एट, स्किन को ग्लो भी करता है ये कैप्सूल, निखारता भी चेहरे को। तो दोस्तों इस कैप्सूल को इन सभी प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं और काफी अच्छा रिजल्ट है। चलिए हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में, यूज कैसे करें इस कैप्सूल को। तो दोस्तों हमें दिन में 15 मिलीग्राम विटामिन ई की जरूरत होती है। एडल्ट, प्रेग्नेंट लेडी और टीनेजर को कंडीशन के हिसाब से यूज करवा सकते हैं इस कैप्सूल को, और इस कैप्सूल को खा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो आप एक बार यूज करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट लेके ही यूज करें इस कैप्सूल को। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों इसे कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है, बाय दफा सूट ना करें तो ये दिख सकता है, जैसे कि डायरिया, वीकनेस, पेट दर्द इत्यादि हो सकता है। तो दोस्तों कोई केस में ये हो तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, इस कैप्सूल का यूज करना बंद कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है दोस्तों, ये थी आज का हमारी वीडियो विटामिन ई 400 mg कैप्सूल के बारे में, जो कि बहुत ही बढ़िया कैप्सूल है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।